मुझे पता है गाइस, आप में से बहुत बंदे ड्रैको M10 और कोबरा MP40 के रिटर्न आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और यार यहाँ पे ड्रैको M10 से ज्यादा तो भाई कोबरा MP40 के लवर बैठे हुए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बताना यार मुझे कमेंट बॉक्स में, आप ड्रैको M10 निकालने वाले हो या कोबरा MP40 निकालने वाले हो। तो गाइस आप में से बहुत बंदों के कमेंट आ रहे थे कि भाई कोबरा MP40 रिटर्न के ऊपर या ड्रैको M10 रिटर्न के ऊपर कोई वीडियो लिखाओ। तो गाइस फाइनली इस वीडियो के अंदर बात करने वाले अपने ड्रैको M10 की कन्फर्म रिटर्न डेट के ऊपर, एंड इसी के बाद में गाइस बात करेंगे अपनी कोबरा MP40 रिटर्न के बारे में। क्योंकि यार फ्री फायर के जो कुछ सर्वर जो कि इंडिया सर्वर के आसपास के सर्वर हैं, उनमें गाइस कोबरा MP40 रिटर्न आई हुई है। और इस बार ना गाइस कोबरा MP40 का जो फेरेड व्हील वेंट है ना, उसको एक मस्त तरीके का लुक दिया गया, जो कि मुझे लिटरली काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो गाइस यहां पे बताया जरा अपने इंडिया सर्वर के अंदर भी जल्दी हमें कोबरा MP40 रिटर्न देखने को मिलेगी। तो भाई जो ड्रैको M10 रिटर्न के लिए एक्साइटेड है वो भी इस वीडियो को पूरा देखना, और जो कोबरा MP40 रिटर्न कंफर्म डेट वगैरह जानना चाहते हैं अपने इंडिया सर्वर की, वो भी यार इस वीडियो को पूरा देखना। और यहां पे एक और बड़ी न्यूज निकल के आ रही है गाइस, जिन जिन सर्वर के अंदर कोबरा MP40 रिटर्न आई हुई है उन्हीं सर्वर में गाइज कोबरा बंडल भी रिटर्न आया हुआ है, आप लोग यार स्क्रीन पे देख सकते हो। तो गाइज हो सकता है अपने इंडिया सर्वर में भी कोबरा MP40 के साथ साथ कोबरा बंडल भी रिटर्न आ जाए। तो इन सब के बारे में गाइज इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे, और साथ में कुछ यहाँ पे फ्री फायर में आने वाले इवेंट आइटम्स के बारे में बात करने वाला है। तो वीडियो यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और हमेशा एक तरफ से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज आज से फरवरी मंथ स्टार्ट हो चुका है, और आपको अच्छी तरीके से पता है फरवरी के महीने में फ्री फायर में वैलेंटाइन इवेंट आता है। तो फिलहाल जो अपने इंडिया सर्वर के अंदर बर्मुडा ड्रीम इवेंट चल रहा है, जो कि यार 9 फरवरी या 8 फरवरी को खत्म हो जाएगा, उसके बाद गाइज अपने इंडिया सर्वर के अंदर वैलेंटाइन इवेंट स्टार्ट होने वाला है। तो उसके रिवॉर्ड गाइज मेरे पास निकल के आ चुके हैं। और हाँ एक और बात गाइज, आज अपने इंडिया सर्वर के अंदर एक मुकुल स्टोर इवेंट आया था, जिसमें गाइज अपने वैलेंटाइन इवेंट के मेन बंडल थे मेल के और फीमेल के। तो उस इवेंट को देख के बहुत बंदे तो भाई यही सोच रहे होंगे कि इस बार का वैलेंटाइन इवेंट शायद नहीं आएगा, लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं पहले इन फ्री फायर ने जो है एक दो आइटम वैलेंटाइन इवेंट के डाल दिए थे गेम के अंदर, और यहाँ पे मेल एंड फीमेल के बंडल भी इन्होंने आज मोको स्टोर इवेंट के अंदर डाल दिए हैं। लेकिन गाइज अभी यहाँ पे और भी आइटम्स आने बाकी हैं वैलेंटाइन इवेंट के, जो कि हमें तभी देखने को मिलेंगे जब यहाँ पे वैलेंटाइन इवेंट स्टार्ट होगा। हो सकता है 9 या 10 फरवरी से वैलेंटाइन इवेंट स्टार्ट हो जाए, तो तब गाइज आपको अपने इंडिया सर्वर के अंदर वैलेंटाइन वीस इवेंट या वैलेंटाइन की थीम पे कोई लकरवेल इवेंट ये गाइज 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो गाइज देखो मैं आपको वैलेंटाइन इवेंट के आइटम दिखा देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे तो गाइज अपने मेल एंड फीमेल के बंडल हैं जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके बाद में गाइज यहाँ पे इमोट्स निकल के आते हैं। इमोट्स तो गाइज आप सभी को पता है हर बार एवरी वैलेंटाइन इवेंट पे हमें नए नए देखने को मिलते हैं, तो इस बार भी गाइज न्यू इमोट क्रिएट किए गए हैं वैलेंटाइन इवेंट के लिए। सबसे पहला इमोट है गाइज बी माई वैलेंटाइन, ये इमोट गाइज मुझे बढ़िया लगा। सेकंड नंबर पे गाइज यहाँ पे एक और न्यू इमोट है जिसका नाम है दी इन्फ्लुएंसर, ये इमोट भी गाइज अपनी जगह ठीक है, इसमें आपका करेक्टर रील क्रिएट कर रहा है। उसके बाद में गाइज ये प्लाज्मा की गन स्किन है, एंड इसके बाद में आता है गाइज अपने पैराफॉल की गन स्किन, इसका नाम है सिकली स्वीट, और ये पैराफॉल की स्किन गाइज हमें एक नेक्स्ट वीपन रॉयल में देखने को मिलेगी। अपने इंडिया सर्वर के अंदर जो फिलहाल वीपन रॉयल चल रहा है उसके एक्सपायर होने के बाद में जो नेक्स्ट वीपन रॉयल आएगा उस वीपन रॉयल के अंदर पैराफॉल की गन स्किन आने वाली है। ठीक है, और इसी के बाद में गाइज गिरोजा की गन स्किन है जो कि ऑलरेडी आ चुकी है अपने इंडिया सर्वर के अंदर एक फेरेड व्हील इवेंट के अंदर, जिसमें अपना ट्रैवल वाला इमोट है उसी के साथ में। ठीक है, उसी के बाद में गाइज एक कटाना की स्किन है, कटाना की स्किन गाइज मुझे ठीक लगी क्योंकि इसमें इफेक्ट एनिमेशन बढ़िया है। ठीक है, ये भी गाइज हमें इस इवेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, सिकली स्वीट इसका नाम है। और सबसे लास्ट में आते गाइज अपने ये VSS की स्किन, और इसके बाद में आते गाइज ये ग्लोल की स्किन, तो ग्लोल की स्किन भी यार अपनी जगह ठीक है, इसमें ज्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी ग्लोल की स्किन है ये भी। तो ये ऑल टोटल आइटम होने वाले गाइज अपने वैलेंटाइन इवेंट के, इनमें से कुछ आइटम आ चुके हैं गेम के अंदर, एंड कुछ आइटम गाइज हमें वैलेंटाइन वीस इवेंट में देखने को मिलेंगे। तो गाइज ये तो होते हैं अपने वैलेंटाइन इवेंट के ऑल टोटल आइटम एंड रिवॉर्ड जो कि मैंने आपको दिखा दिए हैं। बट गाइज वैलेंटाइन इवेंट बर्मुडा ड्रीम इवेंट खत्म होने के बाद ही आएगा, तो अभी बर्मुडा ड्रीम इवेंट के भी थोड़े बहुत आइटम्स जो है इवेंट जो है वो आने बाकी रह गए हैं अपने इंडिया सर्वर के अंदर। जैसा कि गाइज यहाँ पे एक नया फेरेड व्हील इवेंट आएगा अपने इंडिया सर्वर के अंदर, जो कि बर्मुडा ड्रीम इवेंट की थीम पे बेस्ड होगा। उस फेरेड व्हील इवेंट के अंदर गाइज आपको बर्मुडा ड्रीम इवेंट की थीम पे बेस्ड एक प्रोफाइल एनिमेशन और एक स्काइविंग की स्किन देखने को मिलेगी। प्रोफाइल एनिमेशन देख सकते हो गाइज, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है प्रोफाइल की एनिमेशन, जिसका नाम है कोई डिसेंट, एंड उसी के बाद में गाइज यहाँ पे स्काइविंग की स्किन है जिसका नाम है कोई स्काई फिन। ठीक है, तो ये दोनों आइटम गाइज एक ही फेरेड व्हील इवेंट के अंदर अपने इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले हैं, और अभी इसकी डेट वगैरह नहीं बताई जा रही, लेकिन हाँ 7 फरवरी से पहले पहले अपने इंडिया सर्वर के अंदर ये वाला फेरेड व्हील इवेंट आ जाएगा। ओके, और इसी के साथ में गाइज बात कर लेते हैं अपने ईवीओ थॉमसन के बारे में। आप में से बहुत बंदे यार उसके रिगार्डिंग मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो गाइज फाइनली फ्री फायर के मॉडरेटर्स ने बताया है कि 4 फरवरी को अपने इंडिया सर्वर के अंदर ईवीओ थॉमसन आ जाएगी, फेरेड व्हील इवेंट के अंदर आ जाएगी, और आप आराम से 1100 डायमंड खर्च करके अपनी आईडी में ईवीओ थॉमसन को निकाल सकते हो। लेकिन गाइज रुको, 4 फरवरी
इसकी 100% कन्फर्म डेट मत समझना, क्योंकि यार इन फ्री फायर वालों को कुछ नहीं पता, ये एक दो रेट ऊपर नीचे आगे पीछे करते रहते हैं। तो यार मैं आपसे कहूँगा कि 7 फरवरी से पहले पहले अपने इंडिया सर्वर के अंदर ईवीओ थॉम्सन आ सकती है। देखो यार 4 फरवरी जो है ना, इसके हाई चांसेस लग रहे हैं कि 4 फरवरी को अपने इंडिया सर्वर के अंदर ईवीओ थॉम्सन आएगी, लेकिन मैं तो आपसे कहूँगा भाई 7 फरवरी तक का वेट करो, 7 फरवरी से पहले अपने इंडिया सर्वर के अंदर ईवीओ थॉम्सन आ जाएगी। ओके, तो गाइस बताना मुझे कमेंट बॉक्स में आप में से कौन कौन बंदा ईवीओ थॉम्सन को अपनी आईडी में निकालने वाला है। और चले गए जब बात कर लेते अपनी कोबरा M40 और कोबरा बंडल रिटर्न के बारे में। तो गाइस देखो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोबरा M40 और कोबरा बंडल जो है रिटर्न आए हुए हैं फ्री फायर के कुछ सर्वर के अंदर, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे। तो भाई देखो, कोबरा M40 के बारे में तो मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन कोबरा बंडल का अपने इंडिया सर्वर में रिटर्न आना थोड़ा मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। हमें जल्दी तो नहीं देखने को मिलेगा, हो सकता है 2 या 3 महीनों का हमें इंतजार करना पड़े कोबरा बंडल के लिए। लेकिन हाँ गाइस, कोबरा M40 की तरफ से कुछ लीक्स निकल के आ रही हैं, जल्दी हमें अपने इंडिया सर्वर के अंदर कोबरा M40 रिटर्न देखने को मिलेगी। और इसका एक हिंट भी आपको दे सकता हूँ, देखो भाई कोई भी जब नई ईवीओ गन स्किन आती है फ्री फायर के अंदर, तो उसके गेम में आने से कुछ दिन पहले हमें उसी की कैटेगरी में से कोई ईवीओ गन स्किन रिटर्न देखने को मिलती है। जैसा ईवीओ फेमस के साथ हुआ था, ईवीओ फेमस जो है अपनी राइफल कैटेगरी के, तो जब वो आई थी गेम में, उसके आने से पहले हमें XMH रिटर्न देखने को मिली थी। ठीक है, तो सेम गाइस यहाँ पे ऐसा ही होने वाला है। अब आप सभी को पता है ईवीओ थॉम्सन आ रही है एकदम न्यू एंड फ्रेश ईवीओ गन स्किन, तो उसके आने से पहले गाइस हमें उसी की कैटेगरी SMG में से कोई ईवीओ गन स्किन रिटर्न देखने को मिल सकती है। अब या तो वो देखो UMP हो सकती है, कोबरा M40 हो सकती है, या अपनी ईवीओ MP5 भी हो सकती है। अब देखो यार, यहाँ पे ज़्यादातर आप सभी को पता है फ्री फायर वाले उसी गन स्किन या उसी आइटम को ज़्यादा रिटर्न में डालते हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और आप सभी को तो भाई अच्छी तरीके से पता है कि कोबरा M40 की डिमांड कितनी ज़्यादा है। तो गाइस यहाँ पे फ्री फायर वाले जो है ईवीओ थॉम्सन आने से कुछ दिन पहले कोबरा M40 को रिटर्न डाल सकते हैं, इसी के गाइस यहाँ पे हाई चांसेस निकल के आ रहे हैं। अब देखो यार, फ्री फायर के ऊपर डिपेंड करता है ये कब डालें, लेकिन जैसा होता हुआ आया है फ्री फायर की हिस्ट्री में वो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा है, ऑनली लीक्स निकल के आ रही है, कंफर्म मत समझना। ठीक है, तो मैं तो यार होप करूंगा कि कोबरा M40 एक बार फिर से रिटर्न आ जाए अपने इंडिया सर्वे के अंदर ईवीओ थॉम्सन आने से पहले। लेकिन आप बताइएगा गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में, आप ईवीओ थॉम्सन को निकालोगे या कोबरा M40 को निकालोगे। और चले गाइस, अब बात कर लेते हैं अपने ड्रैको M10 रिटर्न के बारे में। तो देखो गाइस, जो अपने इंडिया सर्वर के करीबी सर्वर है, ब्राजील सर्वर, बांग्लादेश सर्वर, सिंगापुर सर्वर, इंडोनेशिया सर्वर, इन सर्वर में जो है ना अभी जल्दी में ही ईवीओ M10 जो है रिटर्न आगे जा चुकी है। किसी सर्वर के अंदर तो लखनऊ एलिवेंट के अंदर आई थी, जहां पे 9 डायमंड का स्पिन था और शायद 40 या 35 डायमंड का स्पिन था। ठीक है, तो गाइस वहीं से अंदाजा लगा रहे हैं फ्री फायर के मॉनिटर, अपने इंडिया सर्वे के अंदर भी जो है ईवीओ M10 रिटर्न आएगी, लेकिन यार जल्दी रिटर्न नहीं आएगी, उसके लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब देखो यार, इस फरवरी के महीने में तो मुझे थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है ईवीओ M10 का रिटर्न आना, क्योंकि यार ये फरवरी का महीना तो भाई इवेंट से भरा पड़ा है पूरी तरीके से। अब बर्मुडा ड्रीम इवेंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा 8 या 9 फरवरी को, उसके बाद में वैलेंटाइन वीस इवेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, और उससे पहले तो गाइस यहाँ पे ईवीओ थॉम्सन भी गेम के अंदर आ जाएगी। हो सकता है ईवीओ थॉम्सन आने से पहले कोबरा M40 भी रिटर्न आ जाए। ठीक है, तो हो सकता है गाइस यहाँ पे फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च महीने के फर्स्ट वीक के अंदर हमें ईवीओ M10 रिटर्न देखने को मिले, इसी के गाइस यहाँ पे हाई चांस निकल के आ रहे हैं अपने ड्रैको M10 रिटर्न आने के। और ये फेरेट व्हील इवेंट के अंदर ही आएगी, जैसे आप आराम से 1100-1100 डायमंड खर्च करके अपने आईडी में ड्रैको M10 को निकाल सकते हो। तो बहुत बंदे गाइस अपने आईडी में डायमंड इकट्ठे करके बैठे हुए हैं, कब ड्रैको M10 रिटर्न आए और कब आप उसे निकालें, तो थोड़ा सा और वेट कर लो गाइस, 1 महीने के आसपास का जल्दी गाइस ईवीओ M10 रिटर्न आ जाएगी अपने इंडिया सर्वर के अंदर। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।